नमस्कार, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, शायद अली शाह गिलानी कट्टरवादी नेता थे, अलगाववादी नेता थे, और उनके देहांत के बाद आज पहला शुक्रवार था और आशंकाएं जताई जा रही थी कि हो सकता है कि भीड़ उमड़े, बाहर निकले, लेकिन दाद देनी होगी सुरक्षा कर्मियों को, सुरक्षा एजेंसियों को। ये दूसरा टेस्ट भी उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से पास कर लिया, पास नहीं, अच्छी पोजिशन में पास कर लिया। आपको बताएं कि 5 अगस्त 2019 को जब 370 में संशोधन किया गया, 35 को रिपील किया गया, हटाया गया, तब ये बहुत सारी ये आशंकाएं जुड़ी हुई थी आपस में कि ना जाने कैसे हालात कश्मीर में बनेंगे, कत्तो गारत होगी। और उस दौरान मैं भी कश्मीर में था और ये कहा जा रहा था कि उनको, कश्मीर के लोगों को इस बात का, किसी को भी आभास नहीं था, उस बात का आभास नहीं था कि शायद क्यों जो टूरिस्ट आए हैं उनको क्यों भेजा जा रहा है। ऐसा लग रहा था कि कोई बड़ा नेता, अलगाववादी नेता का देहांत हो गया है, तो हो सकता है उसकी देहांत की घोषणा 5 अगस्त को की जाएगी, इसलिए पाबंदियां नाफिज की जा रही हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, 370 हटा, 35 से रिपील हुआ और पहली जो स्ट्रोक था उसमें भी सिक्योरिटी एजेंसी, केंद्र सरकार कहा जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहा जाए, वो अच्छे तरीके से सफल रहे। और आज पहला शुक्रवार था अली शाह गिलानी के देहांत के बाद का, आज भी सिक्योरिटी पूरी तरह से टाइट थी, कुछ रिस्ट्रिक्शन थी, ओल्ड सिटी में रिस्ट्रिक्शन थी, लेकिन कामयाब सुरक्षा एजेंसियां रही। दर्शकों, अगर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की बात करें तो उनका ये कहना है कि ये हालात सामान्य नहीं है कश्मीर के। उनका ये कहना है कि पीठ केंद्र सरकार मत थपथपाए, लोगों में अभी भी रोष बरकरार है। देखिए जी, आपका सवाल बिल्कुल वजह है कि बहुत सारे लोगों की नजर में और उनके ख्यालात में ये लगता है कि 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू एंड कश्मीर के हालात बदल गए हैं, सुधर गए हैं और गाड़ी पटरी पर आ गए और चल रही है। ये क्लेम करना मुझे लगता है कि एक मुनफरिद किस्म का एक दावा है, जो अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने के बराबर है कि ये कहना कि जम्मू एंड कश्मीर में 5 अगस्त 2019 के बाद हालात ठीक हो गए। मैं नहीं मानता कि ग्राउंड रियलिटीज जो हैं, मौके की पोजीशन जो है वो ज्यों की त्यों ही है। और इस वक्त आपने देखा होगा कि हुर्रियत के रहनुमा, उनका इंतकाल जो हुआ है, सैयद अली शाह गिलानी
का उस उनके इंतकाल पर, उनकी मौत पर जिस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन में बेचैनी देखी गई। दर्शकों, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता भी इसी तरह की भाषा बोल रहे हैं क्योंकि उनकी मजबूरी है। कुछ रोज पहले ही डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी कहा था कि ये तूफान के पहले की खामोशी है, और ऐसा ही आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता ने भी कहा कि ये तूफान से पहले की खामोशी है। बदलाव का जहां तक तल्लक है कि 370 हटाने के बाद जिन लोगों ने इसको सेलिब्रेट करने की बात आपने कही कि बीजेपी ने इसको सेलिब्रेट किया, तो बीजेपी जो है वो बर्बादी को भी सेलिब्रेट करती है। जम्मू कश्मीर 370 हटाने के बाद बर्बादी की तरफ गया, और खुसूसन जम्मू के अंदर जो ताजर है, जम्मू के अंदर जो बेकार नौजवान है, जम्मू के अंदर जो बिजनेसमैन है, वो सब परेशान है, तो जश्न किस बात का। और जहाँ तक गिलानी साहब की बात आपने की, तो एक चैप्टर बंद हो गया, तो वो जो चीज़ें थी वो चूँकि गिलानी साहब तो पहले ही उससे बाहर हो गए थे 5 अगस्त 2019 से पहले ही, तो एक चैप्टर क्लोज हो गया। वहाँ उससे आगे तो मैं क्या बताऊँ आप, क्योंकि वो एक अपनी एक आइडियोलॉजी के साथ जुड़े हुए थे, ख़त्म हो गए। लेकिन दर्शकों, अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी का कहना है कि बहुत बड़ी सफलता है 5 अगस्त 2019 के बाद भी जिस तरीके से सिक्योरिटी एजेंसीज ने, सुरक्षा बलों ने कश्मीर को संभाला, जम्मू को संभाला, और वैसे ही अली शाह गिलानी के देहांत के बाद जो पहला शुक्रवार था उसमें भी बड़े ही अच्छे तरीके से टैकल किया गया। दिन में जो श्रीनगर के हालात पब्लिक के सामने आए हैं, श्रीनगर एकदम स्मूथ ढंग से, प्रॉपर ढंग से सब कुछ होता रहा श्रीनगर में, और गिलानी साहब की डेथ के बाद जो लोगों के दिलो दिमाग में चल रहा था वो सारी चीज़ें क्लियर हो गई कि अवाम श्रीनगर का क्या चाहता है। ये वो लोग हैं, हुर्रियत के लोग, जिन्होंने आज तक अपनी सियासी दुकानें चलाने के लिए कश्मीर वैली में यूथ के हाथ में पत्थर दे के इन्होंने अपनी चीज़ें खेलते रहे हैं, आवाम के साथ और सरकार के साथ जो कुछ करते रहे हैं, बंद की कॉल्स करते रहे। हर जुमे के दिन नमाज के बाद बंद की कॉल हो जाती थी और वैली बंद हो जाती थी, और आज के डेट में अगर आप देखें कश्मीर के वो हालात हैं, एकदम सब कुछ स्मूथ चल रहा है, शॉप्स खुली हैं, लोग अपने कारोबार कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। और मेन हकीकत की बात यह है कि कश्मीर का आवाम जान चुका है कि ये लोग क्या करते रहे हैं, और इसका जो सीधा मैं मुबारकबाद प्रधानमंत्री साहब को देना चाहता हूँ, होम मिनिस्टर साहब को देना चाहता हूँ, एलजी साहब को, उनकी पूरी टीम को, जेएनके सिक्योरिटी फोर्सेस को, कि उन्होंने पिछले कुछ टाइम से जैसा श्रीनगर को कंट्रोल किया है, और जो श्रीनगर के हालात हैं, कोई पत्थरबाजी की घटना नहीं हो रही, कोई हालात ख़राब नहीं हो रहे, कोई बंद की कॉल्स नहीं हो रही, सब कुछ अच्छे ढंग से चल रहा है। अपनी पार्टी के नेता ने भी, अपनी पार्टी के नेता विक्रम मल्होत्रा, उनका भी ये कहना है कि कहीं ना कहीं सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए ये बहुत बड़ा दिन था, और जिस तरीके से हैंडल किया गया, एक बहुत ऐतिहासिक फैसला लेने के बाद 5 अगस्त को, जिस तरीके से 5 अगस्त के बाद लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस का पूरा दबदबा रहा, और आज भी अली शाह गिलानी के देहांत के बाद पहला जो जुम्मा था उसमें नमाज पढ़ने के लिए लोगों ने बाहर निकलना था, एक आशंका जताई जा रही थी हो सकता है पथराव हो जाए, लेकिन स्टोन पेल्टिंग काफी लंबे समय से बंद है। देखिए, जिस तरह से 370 और 35 से टूटने के बाद से जो हालात जिस तरह से जम्मू कश्मीर में बने हैं, और जिस तरह से केंद्र सरकार और राज्य सरकार और राज्य की पुलिस ने हालात को पे अपना नियंत्रण रखा है, मुझे लगता है वो सराहनीय है। और बिल्कुल जिस तरह से खदशा था तमाम जो जम्मू कश्मीर के बाशिंदे हैं और देश भर के लोगों को, दुनिया भर के लोगों को ये अंदेशा था कि 370 हटने के बाद कश्मीर में वायलेंस हो सकता है, हालात ख़राब हो सकते हैं, पर जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन ने उसको कंट्रोल किया मुझे लगता है वो सराहनीय कदम है। और जिस तरह से अब गिलानी साहब की वफ़ात के बाद और जिस तरह के हालात कश्मीर में बनने की उम्मीद थी,
और जो सिक्योरिटी फोर्सेस ने उसमें जिस तरह का अपना रोल अदा किया है, और ये माना भी जा रहा था कि उसमें वायलेंस हो सकती है, लोग सड़कों पर निकल सकते हैं, पर सरकार के जो कदम उस में उठाए गए मुझे लगता है वो सराहनीय है। और सबसे ज़रूरी इस वक्त ये है कि अमन और जो चैन है वो कायम रहे। जैसे कि दर्शकों, हम आपको बता रहे थे कि कामयाबी है सुरक्षा एजेंसीज की, और इस वक्त हमारे साथ फोनलाइन पर हमारे सीधे जुड़ चुके हैं हमारे साथ हमारे सीनियर न्यूज एडिटर सैयद तजम्मुल। तो तजम्मुल, आज कैसे हालात थे कश्मीर में, क्योंकि आशंका जताई जा रही थी कि अली शाह गिलानी के देहांत के बाद पहला शुक्रवार है, कई आशंकाएं थी कि हिंसा हो सकती है। देखिए, जम्मू कश्मीर में हिंसा और ये जो इस तरह के प्रोग्राम होते हैं, क्योंकि सैयद अली शाह गिलानी काफी टाइम से अजीब थे और पुलिस ने कई एक बार अफवाहों का बाजार भी चला, कई एक बार पुलिस ने अपनी तरफ से तैयारी की थी, प्रशासन ने अपनी तरफ से तैयारी की थी, लेकिन सैयद अली शाह गिलानी के अजीब पक्षी अंतकाल के बाद जो सुरक्षा जम्मू कश्मीर पुलिस ने अपनी तरफ से नॉएडा को कंट्रोल करने के लिए डिप्लॉयमेंट को इतना साफ किया था, आप हर गली नुक्कड़ कोचे से गुजर जाएंगे तो आपको हर दूसरी जगह पर पुलिस वाला सीआरपी वाला यूनिफॉर्म में डंडा लेके दिखेगा। इसका गालबन ये मतलब था कि कोरोना वायरस कोविड-19 प्रोटोकॉल के साथ जो तजहीज और तकफीन या उनकी मैयत का जो आखिरी सफर था मुकम्मल किया गया जी। उसके बाद कहीं जो तजहीज और तकफीन के दौरान कुछ मामला हुए हैं, जिसके बाद पुलिस ने फैजल शाह गिलानी के घर और आसपास के इलाके, उनके आबाई इलाके सोपोर, दरगीर और उसके बाद हैदरपोरा और बच्चा इलाकों में डिप्लॉयमेंट को सख्त किया था, लेकिन एक तरफ ये डायरेक्शन थी कि जिन लोगों को एयरपोर्ट की तरफ जाना है या जिन लोगों को हॉस्पिटल वगैरह जाना है और उन्हें रोका न जाए। जिसके बाद आज चूंकि जमा था और पहले शुक्रवार थे, हैदरपोरा का जो हुमामा से लेकर आपका एरिया शुरू होता है उसके आगे ट्रैफिक को डाइवर्ट करके रावलपोरा आलमदार कॉलोनी से जाने दिया गया जी। इसी तरह बाजार पे जो आगे ट्रैफिक हैदरपोरा की तरफ था उसको डाइवर्ट किया गया था सनत नगर रावलपोरा की तरफ डाउन टाउन और बाकी बकिया इलाकों में, जबकि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में HMT से लेकर पठन और कुपवाड़ा से लेकर दीगर इलाकों तक सिक्योरिटी का दायरा बड़ा सख्त कर दिया गया, और उसके अलावा इंटरनेट डेटा सर्विस को मुकम्मल तौर पर ठप कर दिया गया, वॉइस कॉलिंग जो है उसको मुकम्मल तौर पर रोक दिया गया नॉन BSNL नंबर्स पे, और जिसके बाद प्रशासन मानती है कि अभी तक जो तर्जी तस्वीर के बाद जो मामला खड़े हुए हैं अभी तक दिन जो है जो से निकल गए, अब कल उनका चौथा होगा, अगर पहले दिन 10 बजे के बाद उनके इंतकाल का पहला दिन गिनना शुरू करें तो कल उसके हिसाब से चौथा होगा, तो चौथे के मौके पर चूंकि अमूमन विनोद जी आपको याद होगा किसी भी धर्म में लोग हूँ किसी भी मजहब के साथ तो चौथे पर आना जाना होता है, लेकिन प्रशासन ने चौथे पर कोई भी अभ्यर्थी जो है उसकी इजाजत नहीं दी है जी। और सिर्फ अपने फैमिली के मेंबर जो है वो अपने घर में कुरान पानी फातिहा खानी का विरोध कर सकते हैं। तो जम्मू पुलिस ने डिनाई किया कि कुछ अफवाहें चलाई जा रही थी कि पुलिस ने जबरदस्ती उनको सुपुर्द खाक किया, लेकिन पुलिस ने इसको डिनाई किया है। देखिए, पुलिस ने जम्मू कश्मीर में जिस वक्त आप नोएडा की बात करते हैं तो पुलिस का बयान ही जरा इबलाग जो है वो आखिरी फैसला मानते हैं, लेकिन अफवाह खाना को भी हमें सुनना होगा जी। और उनकी बात जो है उनके मुताबिक उनके साथ वैसा माहौल नहीं गया जिस तरह वो चाहते थे, और जिस वक्त सैयद अली शाह गिलानी की मैयत घर में थी उसके बाद जनाजे के लिए टाइम मांगा जा सकता है, दूर दराज कर्जदार उनके आखिरी दीदार के लिए आ सकते थे जी। और उसके बाद प्रशासन का मानना है जिस वक्त तहराई साहब का भी इसी तरह से तजहीद तकफीन आखिरी रसूमात जो है रातों रात मुकम्मल किए गए थे, और प्रशासन को भी डायरेक्शन थी कि चूंकि ये बड़े अजीब रहनुमा अपने अपने एरिया में माने जाते हैं और बरसगीर में जम्मू कश्मीर में सैयद अली शाह गिलानी के फॉलोअर्स बहुत ज्यादा है, हालांकि सियासी रकाबत और सियासी इन्हीं अपनी होती है, लेकिन उसके बाद प्रशासन ने कोशिश की कि फैमिली के साथ कुछ मामला जो अभी बाहर अखबारों के जरिए आने लगे हैं, पुलिस ने तमाम इन बातों को गलत बताया और उन्होंने कहा कि जो प्रोटोकॉल कोविड-19 का SOP था उसके मुताबिक रसूमात हुई है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि चौथे के बाद अगले दिन मामला और भी चलेंगे और इंटरनेट डेटा सर्विस वॉइस कॉल को कब बहाल किया जा सकता है, मुझे लगता है कि एक बड़ा चुनौती अभी जम्मू कश्मीर पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए होगा। तो जम्मू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
दर्शकों, केंद्र सरकार का और यूटी सरकार दोनों का ये नया इनिशिएटिव, नया नहीं, एक मरतबा पहले भी हो चुका है कि यूनियन मिनिस्टर चाहे MOS हो या दूसरे कैबिनेट मिनिस्टर हो, वो यूटी जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे। एक अनुमान के मुताबिक 70 के करीब ऐसे मिनिस्टर हैं जो दौरा करेंगे। इससे पहले भी इन मिनिस्टर्स ने दौरा किया था, उनकी संख्या करीब आधी थी और उन मिनिस्टर्स ने हर डिस्ट्रिक्ट्स में जाकर के, हर कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जाकर के लोगों से मुलाकात की थी और मुलाकात करने के बाद उनकी डिमांड्स को नोट किया था, राइट डाउन किया था और आश्वासन दिया था कि उनकी मांगों को पूरा किया जाएगा। इस बार भी लोगों ने वेलकम किया है, लेकिन कुछ लोगों को आशंकाएं हैं कि इस तरह के दौरे से मिनिस्टर नोट तो करते हैं लेकिन जो डिमांड्स होती हैं वो फुलफिल नहीं की जाती। पहले हम आपको बताते हैं कि लोगों ने इसका वेलकम किया क्या, ऐसे इनिशिएटिव से विकास होता है। प्रोग्राम 2 के तहत जो केंद्रीय मंत्रिमंडल 10 सितंबर को जम्मू कश्मीर में आ रहा है, डेफिनेटली ये मोदी सरकार का एक बड़ा अप्रिशिएबल कदम है। इसके तहत मंत्रियों का जम्मू कश्मीर की जनता से मिलना, जम्मू कश्मीर में जो पंचायती इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे मिलना, दूसरे जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं उनसे मिलना, तो डेफिनेटली एक बड़ा अच्छा रिजल्ट आएगा इसका, नो डाउट। LG मनोज सिन्हा जी बहुत अच्छा कर रहे हैं, बड़ी अच्छी रिफॉर्मिंग कर रहे हैं, लोगों की बेहतरी के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो एक इलेक्टेड पॉपुलर गवर्नमेंट का मिसिंग होना, जनता और व्यवस्था के बीच एक गैप है, तो इस गैप की पूर्ति होगी, ये गैप खत्म होगा, इसको ब्रिज करेगा ये जो मंत्रिमंडल आ रहा है, क्योंकि जनता की बातें बहुत कुछ, जनता को ये कार्यक्रम जो आगामी कार्यक्रम होंगे केंद्रीय मंत्रिमंडल, वो जनता को बताएगा, जनता की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सुनेगा, और जो एग्जीक्यूटिव यहाँ बैठे हैं जो आजकल LG सरकार में जिनको पूरा फ्री हैंड है और वो पूरा सारा कुछ कंट्रोल करके बैठे, वो भी थोड़ा सा अकाउंटेबल होंगे, वो भी महसूस करेंगे कि कोई हमको देखने वाला टाइम टू टाइम यहाँ आता है और वो एक बेहतर तरीके से चीजों को एग्जीक्यूट करेंगे। तो केंद्रीय टीमें आ रही हैं, हम उनका स्वागत करेंगे। जैसे बैक टू विलेज फंड हुआ, सेकंड हुआ, थर्ड हुआ, तो हम तो ये कह सकते हैं कुछ ना कुछ तो बेनिफिट मिला हमारी पंचायतों का। अब जब केंद्रीय टीम आ रही है तो हम आश्वासन रखेंगे कुछ ना कुछ न्याय मिलेगा। मैं आपको अपनी पंचायतों की बात करें, हमारे पंचायत चट्ठा फार्म में फ्लड की बहुत ज़्यादा परेशानी है, हमारे कास्ट शेरे कश्मीर यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर एंड साइंस टेक्नोलॉजी, उसका भी करोड़ों रुपये का नुकसान होता है हर साल। हमने बहुत बार PWD से भी जो गुहार लगाई, फ्लड कंट्रोल से भी लगाई, मगर तकरीबन 3 साल मुझे सरपंच बने हुए हुए, 3 साल में हर बार वहाँ फ्लड आया और करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ, अभी तक हमारी किसी भी टीम ने हमारी सेज नहीं ले। हालांकि ज्यादातर लोग ये मान रहे हैं कि शेयर वेस्टेज ऑफ टाइम है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो इनिशिएटिव लिया जाता है उसका कुछ ना कुछ तो आउटकम्स निकलते ही हैं। जब आपके घर में यूनियन मिनिस्टर्स आएंगे, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी, आपके डिस्ट्रिक्ट में यूनियन मिनिस्टर्स आएंगे, स्वाभाविक सी बात है कुछ ना कुछ तो वो आपको दे के जाएंगे, कुछ ना कुछ तो डेवलपमेंट के काम होंगे ही, कुछ ना कुछ तो आपकी सुनवाई होगी ही। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि लास्ट टाइम भी आए थे, जो वादे किए थे उन वादों को पूरा नहीं किया। केंद्रीय सरकार के केंद्रीय मंत्रियों द्वारा जम्मू कश्मीर के ग्रामीण क्षेत्रों के आगामी दौरे का स्वागत करता हूं और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार के जितने भी ये कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिनसे हमारे ग्रामीण क्षेत्रों से लोगों की समस्याओं का समाधान हो रहा है, उन्हीं के विषय में मैं सुझाव भी देना चाहूँगा कि पिछले दिनों से जैसे केंद्र की पॉलिसी के तहत ही बैक टू विलेज कार्यक्रम हुए थे हर पंचायत लेवल पर और हर डिपकॉम DC साहब SDM साहब को भेजा गया था कि वो आएँ और लोगों की जो समस्याएं हैं उनका समाधान करें, तो उसी कड़ी में आज हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में विकास और खुशहाली का दौर चल पड़ा है, जिसमें गाँव में तकरीबन 90% सड़कें बन चुकी हैं जो बनने जा रही हैं, और इसी तरह से जो हमारे स्कूल हैं उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बढ़िया बन गया है।
पिछली बार भी जो केंद्र से मंत्री आए थे वो भी आए थे, आके चले गए थे। जो उनको काम डिमांडें उन्होंने हमसे जो मसले लिखे थे, जो हमारे काम वगैरह उन्होंने पूछे थे, एक भी काम नहीं किया। जो पुराने किए हुए काम थे उन्हीं के उद्घाटन करके चले गए और जाके सेंटर में जाके दिखाते हैं हमने ग्राउंड पे ये काम किए। सिर्फ वो पैसा वेस्ट कर रहे हैं। वो आते हैं गवर्नमेंट का जो पैसा है उसको वेस्ट करके, ग्राउंड लेवल पे कोई भी काम नहीं हुआ है। हमारे लोगों का टाइम वेस्ट किया गया। पिछली बार जितनी भी समस्या उन्होंने सुनी एक भी काम नहीं किया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बहुत सारे मिनिस्टर्स, जिसको हम कह सकते हैं कि 70s के आसपास, जैसे हम सुन रहे हैं कि वो जम्मू कश्मीर यूपी का दौरा करने वाले हैं और जगह जगह वो जाएंगे, जिसको हम ये कहते हैं कि जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर, ये अपना प्रोविंस लेवल के ऊपर ये बैक टू विलेज की बातें करते हैं, उसी तरह से हमें ये पता चला है कि ये जो सेंटर के मिनिस्टर हैं ये पिछली बार भी आए थे, अब सुना है कि ये दोबारा आ रहे हैं। इससे पहले अभी चंद दिन की बात है, मैं आपके माध्यम से एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि ये जो पार्लियामेंटेरियंस की कमेटियाँ हर जगह भेजी जा रही हैं, वो कमेटी ऑन लेबर, कमेटी ऑन पावर, कमेटी ऑन एक्सपेंसेस, ये जितनी भी कमेटियाँ यहाँ पर सेंटर की भेजी जा रही हैं, जो मेरा इसमें कहना है वो आपके मीडिया के माध्यम से ये मेरा ये कहना बड़ा साफ है कि जब चाहे वो बैक टू विलेज हो, चाहे वो री अप्रोचिंग टू द विलेज बाय द मिनिस्टर्स हो, एमपीज हो, ये सबका जो कहना जाना है, ये गवर्नमेंट के ऊपर और आम जनता के ऊपर ये बोझ डालने की बात है। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो लोग आशंकाएं जाहिर कर रहे हैं उनका भी कहना वाजिब है, लेकिन आपको बताते चले कि जब पिछली लास्ट टाइम जब ये मिनिस्टर्स आए थे उस दौरान जो वादे उन्होंने किए थे, कुछ जगहों पे स्टोन नींव पत्थर भी रखे गए थे और कुछ जगहों पे उद्घाटन भी किया गया था। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इसका कोई असर नहीं होता है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को एक्सपेक्टेशन बड़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर प्रयोग किए गए बैक टू विलेज वन, बैक टू विलेज टू, उससे कहीं ना कहीं लोगों की उम्मीदें बढ़ती जा रही है। खास तौर पर जब पंचायती राज को आप पूरी तरह से अधिकार देने जा रहे हैं, ऐसे पंचायतें हों, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल हो, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल हो, उनमें ज़्यादा उत्सुकता बढ़ जाती है। ये केंद्रीय मंत्रियों की एक टीम जम्मू कश्मीर में, 70 के करीब ये केंद्रीय मंत्री जो जम्मू कश्मीर में आ रहे हैं, बहुत बड़ा स्टेप है सरकार का, पॉजिटिव है, स्वागत करते हैं हम, विरोध नहीं करेंगे, स्वागत जरूर करेंगे। लेकिन कुछ बातें मैं यहाँ पे ये जरूर शेयर करना चाहूँगा कि देखिए, जब कोई अगर इस उद्देश्य के साथ जम्मू कश्मीर में केंद्रीय मंत्रियों की एक टीम आ रही है, एक दल आ रहा है, तो उसका उद्देश्य यही है, मुझे जहाँ तक लगता है कि सरकार का उद्देश्य भी यही है, और मेरी सोच के अनुसार ये है कि लोगों से उनकी राय पूछी जाए कि आपकी सहभागिता विकास के साथ कैसी हो, आप क्या चाहते हो, किस तरह का विकास हो, क्या योजनाएं होनी चाहिए, लोगों के हित किस में छिपे हुए हैं, लोग किस तरह से खुश हो सकते हैं, लोगों को कौन सी ऐसी योजनाएं जो सरकार की मतलब की तरफ से चाहिए। आज सुबह न्यूज़पेपर में जो हेडलाइंस हैं उनके अकॉर्डिंगली, जैसे आपको भी आज ही पता चला कि भाजपा जो मंत्रालय है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके जो 78 मंत्रियों में से 70 मंत्रियों का दौरा बताया जा रहा है जम्मू कश्मीर यूटी में, उसके बारे में मैं आम जनता से, लोगों से और जो केंद्र सरकार है उनसे ये बात कहना चाहूँगा और पूछना भी चाहूँगा कि ये मंत्री पहले भी आए थे, काफ़ी टाइम आए हैं, उनके आने की जो विजिट है हमारे जेके यूटी को, उसका अब तक क्या फ्रूटफुल कुछ रिजल्ट मिला है या नहीं मिला, उसका पहले उनके विजिट से पहले एक जनता को लेखा जोखा देना चाहिए कि ये पिछली बार 70 मंत्री या जितने भी मंत्री पहले विजिट कर चुके हैं, उन्होंने जो जो अपने यहाँ पे लोगों के साथ आश्वासन दिए थे, उनको वादे किए थे, क्या वो सब ऑन ग्राउंड लोगों को डिलीवर हुए हैं कि नहीं हुए। दर्शकों, COVID-19 पेंडेमिक है, हम सब जानते हैं, हर सेक्टर में इसका असर पड़ा है, एजुकेशन सेक्टर में कुछ ज़्यादा ही असर पड़ा, यानी खास असर एजुकेशन सेक्टर में पड़ा है। ऑनलाइन स्टडीज चल रही हैं, ऑनलाइन स्टडीज़ का कहीं ना कहीं नुकसान भी हो रहा है।
सिर्फ हम स्टडी तक महदूद ना रहें, अगर हम स्टडी तक महदूद रहते हैं उसके अलावा भी जो बिहेवियर में चेंज आ रही है वो एक बड़ा घातक है। विक्ट्री या हम लोग जीत जाएंगे और जिंदगी वापस नॉर्मल हो जाएगी, और हमारी जब वापस जिंदगी हो जाएगी तो मोबाइल फोन का यूसेज भी कम होना चाहिए, नंबर वन। नंबर टू, अभी जो क्लासेस के लिए ही मोबाइल फोन यूज हो, जैसे ही क्लास खत्म होती है माँ बाप उसको सुपरविजन में मोबाइल फोन को वापस बच्चों से लेने, खासकर छोटे बच्चों से, और बच्चों को किसी और खेल में, फिजिकल एक्सरसाइज में, बाकी बच्चों से मिलने में, आउटडोर सन का एक्सपोजर होने में इन्वॉल्व करें। देखिए, जैसे आप हैं बच्चे वैसे बनेंगे, अगर आप रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते तो ये एक्सपेक्ट मत कीजिए कि बच्चे रिस्ट्रिक्ट करेंगे मोबाइल फोन यूज। जब तक आप एक बच्चों के सामने अच्छा चेहरा प्रोड्यूस नहीं करेंगे या एक अच्छी आदतों की मिसाल नहीं बनेंगे तो बच्चे कभी नहीं बनेंगे। आप मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं और बच्चों से मोबाइल फोन खींच ले, ऐसा कभी नहीं। तो पहले ये चेंज अपने आप में लाएं, कुछ रूल्स सेट करें घर के, जैसे 6 बजे के बाद कोई मोबाइल फोन यूज नहीं करेगा, खाने के समय कोई मोबाइल फोन यूज नहीं करेगा, सुबह 10 बजे से पहले कोई मोबाइल फोन ऑन नहीं करेगा, लिमिट करेंगे उसका सोशल मीडिया या फेसबुक देखने में। जैसा आप करेंगे बच्चे वैसा सीखेंगे, और एक दिन में नहीं सीखेंगे, महीनों और सालों में सीखेंगे। दर्शकों, छात्रों की माने कि ऑफलाइन का अपना मजा होता है, ऑफलाइन में आप सीधे डायरेक्ट टू डायरेक्ट बात कर सकते हैं अपने टीचर से, जो क्वेरीज होती है वो पूछ सकते हैं, ऑनलाइन में ऐसी सुविधा नहीं। ऑनलाइन क्लासेस में होता है कि अगर नेटवर्क की प्रॉब्लम्स होती है, टीचर्स को हमारी वॉइस नहीं आती है और हमें भी टीचर्स की वॉइस नहीं आती है, तो हम अच्छी तरह से नहीं पढ़ पाते हैं। ऐसे हम ऑफलाइन अगर पढ़े स्कूल में तो हम फिजिकली हम पढ़ सकते हैं, टीचर से बात कर सकते हैं, और अगर कोई भी डाउट हो क्लियर कर सकते हैं। अब हम घर पे ही रहते हैं, जैसे कि हम स्कूल में पढ़ाई करके एक्टिविटीज़ करते थे, क्लासेस लिखती थी हमारी एक्टिविटीज़ की, तो अब वो नहीं हो पाता, सिर्फ हम घर पे सिर्फ स्टडीज़ कर रहे हैं। कभी कभी जैसे कि समझने में दिक्कत आती है, हम ऑफलाइन क्लासेस में अच्छी तरह से समझ सकते हैं, हमसे टीचर्स क्वेश्चंस पुट करते हैं जिससे हमारे बारे में पता लगता है कि हमने क्या ध्यान से समझा भी है कि नहीं। पर ऑनलाइन क्लासेस में कभी कभी नेटवर्क प्रॉब्लम, कभी कभी आवाज़ नहीं आती, ऐसी चीज़ें होती हैं जिस वजह से हम बिल्कुल, कुछ बच्चों के पेरेंट्स भी साथ में बैठते हैं, वो चीटिंग करते हैं, कैमरा के बिल्कुल सामने सामने वो कॉपियों से लिखते हैं, ये गलत है, ये अपना ही फ्यूचर वो खराब कर रहे हैं। दर्शकों, अगर अध्यापकों की बात करें, टीचर्स की बात करें, तो टीचर्स का कुछ अपना ही कहना है कि बच्चे कम ऑनलाइन आते हैं, जितने संख्या है, जितने स्टूडेंट्स हैं, यानी क्लास में अगर 35 स्टूडेंट्स हैं तो 25 ही उसको अटेंड कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं असर ज़रूर पड़ रहा है, दोहरा असर पड़ रहा है, एजुकेशन पर तो पड़ रहा है, शरीर पर और मानसिक तौर पर भी। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि ऑनलाइन क्लासेस में सभी बच्चे होते ही नहीं है, आज तक 2 सालों में कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमारी क्लास में अगर 30 बच्चे हैं तो 30 के 30 बच्चे प्रेजेंट हो, ऐसा कभी नहीं हुआ, होंगे तो 15-20 इतने ही होते हैं, और उसके बाद भी बच्चे प्रॉपर अपनी वीडियो ऑन नहीं रखते हैं, कभी वीडियो ऑफ करते हैं, कभी अपनी माइक ऑन करते हैं, पीछे से पेरेंट्स का भी शोर आ रहा होता है, मतलब इस तरह की प्रॉब्लम्स आती ही हैं। तो मतलब ये क्लासों में अभी तक हमने ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमने कंफर्टेबल, जैसे स्कूल में हम क्लासेस लेते हैं, कि हमने ऑनलाइन क्लासेस इस तरह से ली हो। बच्चे क्लास तो लेते हैं पर बच्चे ज्वाइन होके ना तो पीछे से गेमें खेलने शुरू कर रहे हैं। क्लास में ऐसे होता है कि बच्चों के पास ब्लैक बोर्ड भी होता है, सारा काम हम उनको बड़े ठीक ढंग से समझाते हैं, ब्लैक बोर्ड के ऊपर ब्लैक बोर्ड यूज करते हैं, क्वेश्चन आंसर जो भी होता है हमको एक एक जो शब्द होता है उनको समझाते हैं। तो ऑनलाइन में तो बच्चे नहीं कर पा रहे, बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है, टीचरों को भी आ रही है, जे नहीं कि नहीं आ रही, टीचरों को भी बहुत दिक्कत आ रही है, बच्चों को भी बहुत ज्यादा, बच्चों समझ नहीं पाते लेसन, बच्चों के बच्चों के पास बुक्स ही नहीं है, तो बच्चे कैसे, इतना हो गया कि बच्चे रीडिंग करना भी भूल गए। दर्शकों, बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए, मुझे दीजिए इजाजत।